संजय दत्त बॉलीवुड के वो धांसू एक्टर हैं जिन्होंने रोमांटिक, एक्शन, ड्रामा, कॉमेडी और ऐसी ना जाने कितनी ही हिट फिल्में बॉलीवुड को दी हैं और अपने नाम के झंडे पूरी दुनिया में गाड़े हैं, जो आज किसी अलग पहचान की मोहताज नहीं है। लेकिन दोस्तों, यूं तो आप संजय दत्त के बारे में बहुत कुछ जानते होंगे, पर क्या आप जानते हैं इनसे जुड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में, जिसे जानकर आपको हैरानी होने वाली है, जो हम आपको आज बताएंगे। तो फिर चलिए एक नजर डालते हैं। नंबर एक, यूं तो अभिनेता संजय दत्त को संजू बाबा और खलनायक के नाम से जाना जाता है, लेकिन इनका असली पूरा नाम संजय बलराज दत्त है। नंबर दो, बता दें जब संजय दत्त पैदा हुए थे तो इनके माता पिता ने विज्ञापन की मदद से इनका नाम संजय रखा था। नंबर तीन, मालूम हो आपके चहेते अभिनेता संजय दत्त को ड्रग्स की बुरी लत थी। फिल्म रॉकी की शूटिंग के दौरान भी संजय दत्त नशे में रहा करते थे और एक बार तो इन्हें अपनी माँ के इलाज के लिए न्यूयॉर्क जाना था। नशे के बगैर ये रह नहीं सकते थे, इसलिए इन्होंने अपनी सॉक्स में भी ड्रग्स छुपा ली। नंबर चार, साथ ही आपको बता दें संजय ने पहली बार सिगरेट जब पी थी, जब वो 9 साल के थे। जी हाँ, इतनी सी उम्र में संजय दत्त ने सिगरेट पी ली। नंबर पाँच, बता दें संजय दत्त की माँ नरगिस इनकी पहली फिल्म देखना चाहती थी, लेकिन डेब्यू फिल्म रिलीज होने से कुछ महीने पहले ही इनकी माँ इस दुनिया से चल बस। नंबर छह, ये बात तो बहुत लोग जानते हैं कि संजय कई बार जेल जा चुके हैं, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि जेल में सजा काटने के दौरान संजय दत्त ने रेडियो जॉकी बनकर भी लोगों को एंटरटेन किया था। नंबर सात, आपको बता दें भले ही हमेशा हमने अभिनेता संजय दत्त को काफी फिटर देखा, पर एक टाइम इनकी जिंदगी में ऐसा भी आया था जब ये कैंसर से जूझ रहे थे, लेकिन सही इलाज के बाद ये ठीक भी हो गए। नंबर आठ, ये बात तो सभी अच्छे से जानते हैं कि अभिनेता संजय दत्त ने अपनी जिंदगी में तीन तीन शादियां की, पर बहुत कम लोगों को ये पता होगा कि इनका अफेयर एक्ट्रेस टीना मुनीम के साथ भी रहा था, जिनसे ये शादी करना चाहते। वेल दोस्तों, क्या आपको कुछ कहना है आपके फेवरेट संजय दत्त के बारे में? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसी जबरदस्त वीडियोस को पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना